वाहेगुरु साहिब जीओ, कबीर देख देख जग टूटिया, कहूँ ना पाया ठौर। जिन हर का नाम नचेते कहाँ पुलाने और। कबीर संगत करिए साधकी, अंत करै निर्वाह, साकत संग न कीजिए, जाते होए बिना। साकत संग न कीजिए, जाते होए बिना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन चरणा दे विच विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जन, भगत बाबा कबीर साहब जी दे पावन दो श्लोकां दा पाठ संगती रूप आप जी ने उच्चारण भी किया है ते सरवण भी किया है। श्लोक नंबर 92 और 93। कबीर देख देख जग ढूंढिया, वैसे ही बहुतांत शावां ते ना शब्द ढूंढिया आउंदा हुंदा है, डटा आउंदा हुंदा विचकार ढूंढिया, पर इत्थे दोने टड्डे आई ने बोलो, तो इस करके इहनूं ढूंढे आई बोलना है। कबीर देख देख जग ढूंढिया, कहूं ना पाया ठौर। कहूं ना पाया ठौर दा अर्थ है भी किते भी थां नहीं मिली। ठौर दा अर्थ थां हुंदी है ठहर, ठहर तो शब्द बनया ठौर। कहूं ना पाया ठौर, देख देख के, देख देख अगे अर्थ है घुम घुम के, तुर तुर के, वेख वेख के, जग ढूंढिया, जग दे विच्चों लभिया, कहूं ना पाया ठौर, पर किते भी टिकाणा नहीं मिलिया। टिकाणे दा अर्थ है किते भी आत्मक सुख नहीं मिलिया, किते भी शांति नहीं मिली। कहूं ना पाया ठौर, किते भी शांति नहीं मिली बैठ के। सच है जे इन्हें बचना नूं समझ लीता। गुरु नानक साहिब पातशाह का गुरमुखो एक शब्द आंदा है, जिस जलनित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो, छोटो वेश भेख च तराई दुबदा ए फल नाही जियो, मन रे थिर रहो। ऐ मेरे मन एक थां ते टिके आ रहा है, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, मता इधर उधर भजया फिरे, बार ढूंढत बहुत दुख पावें, जे तू बारों सुख लभेगा तो दुख ही पाएगा। कहूं ना पाया ठौर, बार ढूंढत जे बार सुख ढूंढेगा तो बहुत दुख पावें, घर अंदर घट माही जी। घर अंदर का की अर्थ है, तेरे शरीर दे विच। फिर पहला क्या घर
अंदर फिर क्या घट माही जियो। घट का की अर्थ है हिरदा, तेरे शरीर के विच बैठा सुख देने वाला। पूछा जी कित्थे बैठा है? घट माही जियो तेरे हिरदे दे विच बैठा है, वो तेरे शरीर के मौजूद है, वो तेरे हिरदे जिन्हें तेनों सुख देना है ना, वो कितने जंगलों के ना लभ, उन्हों पहाड़ों पर ना लभ। इसे ही गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने कहा, काही रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी, वो तो सारिया थावां का निवासी है, सदा अलेपा सदीवी विच अलेप है, तो ही संग समाई तेरे अंदर भी बैठा है। गुरमुखो अज मनुख दे आत्मक दुखों का कारण यह है भी वह सुख बाहरों लभदा है, रब भी बाहरों लभदा है, सुख भी बाहरों लभदा है, इज्जत माण वड्याई भी बाहरों लभदा है। पातशाह कहिंदे ना बाहर बाहर कुछ भी नहीं है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो तू ब्रह्मांड विचों लभदा है वह तेरे अंदर भी है। इस करके गल गुरमुखो बाहर भजन की नहीं है, गल टेक के बैठन की है। बच्चा होंदा ना छोटा जा बच्चा, वो सारा दिन बाहर खेडता रहिंदा मित्रां दोस्तां नाल, जदों कुट पैंदी आ उदों माँ दे कोल बहिंदा जाके, उहनूं पता वी छुड़ाउणा इसे ने। हुण छोटे जे बच्चे नूं वी पता वी बाहर भावें मित्र दोस्त मेरे बाहर भी बहुत है, पर जदों बापू कुटदा उदों माँ दी कुछ वड़दा जाके, उहनूं पता है वी खैड़ा छुटना इत्थे आ माँ दी गोद विच, छुड़ाउणा नहीं मैनूं बाहर लिया ने। इसे तरह सतगुरु पातशाह कहिंदे बाहर कितना ही फिरदा रहे, पर यह गल चेता रखी कि असल दे विच सुख तैनू उदों मिलना जदों बाहर दी झाक छड्ड देवेंगा, वी बाहर दे मित्र बाहर दे दोस्त बाहर दा धन, कितें मैनू कोई तीर्थ स्थान कोई मैनू यात्रा आ ठंड आ गई चलपो पहाड़ां दे उपर। पातशाह कहिंदे नहीं नहीं नहीं, ठीक है इहदे नाल तैनू ना शरीरक सुख मिल जाण हुंदा गुरमुख, पर तेरे मन ने नहीं शांत होना। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठौर, कितों भी आत्मक सुख नहीं प्राप्त कीता, जिन हर का नाम न चेतेओ कहा पुलाने और। पूछा जी ये हालत किन्ना दी है, जिन हर का नाम न चेतेओ, जिन्होंने सब कुछ किया पर हरि का नाम नहीं जपया। सच है गुरु गुरु अमरदास साहिब पातशाह कहिंदे आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए, आहर दा कितना काम सारे काम करदा फिरदा पर जिहड़ा एक काम है जिन्हें इहदे आत्मा नूं सुख देना है जिन्हें इहदे मन नूं सुख देना है वह एक काम नहीं करदा। वो काम की है? भजन नसन वाले काम करदा। गुरु कहिंदा टेक के बह जा, टेक के नहीं बैठदा। ऊं वैसे कह दिंदा कि की करिए जी काम ही इन्हां ने, टेक के बैठन का समय ही नहीं है। कहिंदा इदां ही है बांदर नूं, कहिंदा इदां ही है जिवें बांदर नहीं कहिंदा सी की करां जी छड्ड ही नहीं रहा हाथ मेरा कुजा, इदां ही सी। कबीर मरकट मुस्ती अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। वो गुरमुखो घड़ा हुंदा है, घड़े दे विच ओ हाथ पसा लैंदा है, वो हाथ जदों पसाया तो वह हाथ मुठ भर ली ते इह फस गया, जदों आकार वड्डा हो गया हाथ का। हुण कहिंदा मैनूं घड़े ने चीका मारदा, घड़े ने फड़ लिया, घड़े ने फड़ लिया। कबीर साहब कहिंदे उह नहीं नहीं नहीं, इह छड़ दे ना छोलियां दी मुठ, इह छड़ दे मुठ्ठी विच्चों छोले छुट जाएगा, मुठ्ठी च छोले छड़ दे हथ बाहर निकल आएगा।
तैनू किसी ने नहीं फड़िया, तू छोलिया नू पकड़ के बैठा है ते रौला ये पा रहे हैं भी मैनू फड़ लिया। छड़न दी लोड़ किसे होर नू नहीं, छड़न दी लोड़ तैनू है, तू छड़ दे छोलिया की मुठ, हाथ तेरा बाहर निकल जाएगा। बंदा गर्म कोई करता है, माया नहीं छड़ती जी, की करिए की करिए जी, कारोबार छड़ता ही नहीं। कई बार तो जवाकों भी कह दिंदा है, देखो जी देखोगे जदों मैं ना होया फिर वेखांगा तुहाडा की बनता है। तो बनना की है, बनना वह है जिहड़ा रब ने बनाउणा है। चली जा रहे ने सारे, तेरा लगता हुंदा इक वारी जिंदगी उवें तुर पैंदी है फिर। तो इस करके कबीर साहब कहिंदे ने भाई तैनू भजन की लोड़ नहीं है, तैनू टिकण की लोड़ है, तैनू एक थां बैठण की लोड़ है। जिन हरका नाम ना चेतियो, जिन्हां ने हरी का नाम नहीं जपया, जिन्हां ने हरी नू नहीं चेते किया, कहां भुलाने और कहां दा अर्थ किथे भुलाने और किथे होर भुलिया फिरदा। कहां भुलाने का की और का की अर्थ है, किथे होर भुलिया फिरदा तू भी, किथे होर मैनू शांति मिल जाएगी। एक बचन आउंदा गुरमुखो, भाई वीर सिंह होए ने बहुत संत कवि होए ने, भाई वीर सिंह का एक बचन रुबाई है उन्हां दी, मां रोटियां बना रही सी ते वो कहंदे ने, कहन लगे अग दे विच्चों एक कोला बाहर डिग पिया। जो बाहर डिग गया दो मिनटां बाद काला हो गया, बुझ गया। हुण जिहड़े कोले अग दे अंदर पए ने वह कोले लाल ने, जिहड़ा बाहर डिग गया पिया वह काला है। भाई वीर सिंह कहंदे मैं चक लिया छोटा सा, ते मैं इनू वेख्या भी इहदी कालख नू मिटाउणा है। साबण ना धोता, पानी ना धोता, दुध विच डबो दिता भी कदे कालख लै जे इहदी, पर कहंदे नहीं लई। मां दे कोल गया, मां इह दूजिआं दे काले नहीं है, इह कल्ला ही काला है, इहदी कालख मिटेगी किवें, मैं बड़ा यतन कीता। मां कहन लगी पुत्तर इहदी कालख मिटेगी जिथों ये आया जे उत्थे चला जाए, तो जिथों ये विछड़े है उत्थे चला जाए तो वापस, पुत जिथों ये डिग्या सी इहनू दुबारे उस अग सुट दे, इन्हें दोबारा लाल हो जाना है, कुछ भी नहीं करना पैना, कुछ नहीं करन दी लोड़, सिर्फ इको ही लोड़ है भी जिथों ये वापस आया इनू उस अग च दोबारा सुट दे, इन्हें बेटा लाल हो जाना। कहन लगे मैं गया कोले नू सुटिया अग दे विच, पांच मिनटां बाद वह भी दूजा वांग लाल हो गया। गलत ही नहीं है गुरमुखो, बंदा यतन करदा पर कुछ करन दी लोड़ नहीं है, सब कुछ छड्डन दी लोड़ है, यतन त्यागन दी लोड़ है, जीरो होने दी लोड़ है। इस करके कबीर साहब कहिंदे ने, कहन लगे हे भाई बड़ा कुछ देखिया जगत दे विच, पर सच ये है तीर्थ जाऊं ता हाँ हाँ करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। ऐ मेरे मित्रा कोई ते थां दस जिथे रोजाना रब की कीर्ति हुंदी होवे, तीर्थां ते जाना, तीर्थ जाऊं तो हों हों करते, तीर्थां ते जाना उत्थे भी मैं करन वाली मिल जांदे आ, भी मैं इन्नी बार आया, मैं इन्नी बार आ के गया। तीर्थ जाओ पंडित पूछो तो माया राते, जे तीर्थां ते बैठे पंडितां नूं पुछदा उह माया च रंगे हुए है। दस रब्बा किथे जाके बैठा जिथे तेरी कीर्ति हुंदी होवे, जिथे माया की गल ना हुंदी होवे, जिथे मैं ना हुंदी होवे, दस वो थां है गुरमुखो। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, इको ही थां है जिथे एक रब की गल चलती है, वह है गुरु की संगत। गुरु की संगत है जिथे केवल एक परमात्मा की गल चलती है, होर तो कोई थां ही नहीं है। इस करके जिन हर का नाम न चेतो, कहां भुलाने और किथे होर भुलिया, फिरदा बंदिया केवल एक
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਕੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਟਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਉਹ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਧੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਭਾਈ ਢੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਧਰਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਧਰਤਾ ਹਾਂ
नानक ने ओ घर बंद लिया, अर्थ की बनिया ओ टिकाणा पा लिया। घर बंद का की अर्थ है? ओ टिकाणा पा लिया जिथे मृत ना जन्म जरा, जिथे मौत नहीं है, जिथे जन्म मरन नहीं है, जिथे बढ़ेपा नहीं है। आत्मक बढ़ेपे का की अर्थ है? आत्मक कमजोरी भी नहीं है, वो थां है जिन्हों से निज घर महल जिथे आत्मक सुख मिलेगा। इस करके पातशाह कहिंदे ने भाई कबीर साहिब नूं टिकण दी लोड़ है। कबीर संगत करिए साधकी अंत करै निर्वाह। कभी हे कबीर, साधु की संगत करनी चाहीदी है। पुछया क्यों? अंत करै निर्वाह, अंत दे विच करै निर्वाह तेरा संगी बनेगा। निर्वाह का क्या अर्थ होंदा? संगी बनना। साधु की संगत कर, इस संगत ने अंतम समय तेरा साथी बनना। साकत संग ना कीजिए जाते होए बिना। पहला बचन क्या संगत करनी की दी है, दूजा बचन क्या की दी नहीं करनी। दोने बचन कहे, हुण दोने बचन क्यों कहे? कारण है गुरमुखो, कारण की है? इको कई बार की होंदा है, बंदा दवाई भी लैंदा रहिंदा है ते परहेज भी नहीं करता। हुंदा ना कई बार, जब कहिए जी भी शुगर है जी भाई साहब दवाई लैने हैं, पर गुलाब जामुना भी खाई जाइए कदे कदे, मन कर ही आउंदा है, परहेज भी नहीं। अर्थ की बनिया हुंदा है? तां कबीर साहब कहिंदे साकत दी संग नहीं भी करनी, साधु दी करनी है। जे तू कल्ले संगत साधु दी करदा रहा पर साकत दी संग छड्डी ना, गल नहीं बननी। हुंदा है गुरमुखो? असी सच्ची बाणी भी पढ़ी जाने हैं, गप मारना भी नहीं छड्डदे, दोने गल ही करते हैं। सतसंगत और यही कारण है, यही कारण है गुरमुखो कि असल दे विच ना, जिमें मैं कहना हुंदा कई बार भी बंदा दो कदम अगे नूं तुरे ते छे कदम पिछे नूं तुरे, अगे चलेगा कि पिछे जाएगा? पिछे ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगे नूं दो चलदा, पिछे नूं छे चलदा पिया। साडी हालत यह है, गुरद्वारे वध गए, कथा करन वाले वध गए, कीर्तन करन वाले वध गए, टीवी ते कीर्तन लाइव वध गया, गड्डियां विच साडी कीर्तन चलदा, सब थां चलदा। कित इन्नी संगत कदे मिलदी होएगी कबीर साहब नूं? कितें नहीं ना, 24 घंटे कन्ना च बाणी पई जांदी है। पर फिर भी पिछे नूं क्यों जाने आ? उहदा कारण है भी अगे नूं तां तुर रहे हां पर पिछे नूं तेज तुर रहे हां। सतसंगत 2 घंटे करदे हां, निंदिया चुगली 10 घंटे करदे हां, पिछे तुरदे हां ज़्यादा। चंगियाईयां 2 घंटे करदे हां, बुराईयां 10 घंटे करदे हां। यही है ना, जबकि अगे नूं घट तुर रहे हैं पिछे नूं, तो चंगा की है? भी जे तू 2 कदम अगे नूं तुर रहे हैं, तू 2 ही तुर, पर पिछे नूं 5 ना तुर, वह बंद कर दे। नुकता बड़े ध्यान समझो, जे तू अगे नूं 2 कदम तुरदा तू, तैनूं 3 तुरन की लोड़ नहीं है, तू 2 ही तुर, पर जिहड़े पिछे नूं 5 तुरदा ना वह ना तुर। हौली हौली गल बन जाएगी। जे तू 2 बाणियां पढ़दा 2 ही पढ़, तू 3 ना पढ़, पर जिहड़ी 5 घंटे की बुराइयां करदा निंदिया करदा वह छड्ड दे, गल बन जाएगी। असीं कहिंदे जी मैं इन्नियां बाणियां पढ़दा भी ऐं दस भी किन्ने घंटे बुराइयां चुगलियां दे उत्ते ला दिंदा, निंदिया ते ला दिंदा। ते गुरमुखो मैं सदा कहना हुंदा भी समां ही नहीं है इन्ना, किसे दे पढ़दे फरोलण दा कदे समां है साडे कोले? किन्नी क जिंदगी आ, की पता हुणे इत्थे आए हाँ हुंदे नहीं कई कि तुसीं देखदे नहीं कथा दे उत्ते, भाई बैठा बैठा ही ऐ हो गया। किन्ने थां देखदे आ तुसीं टीवी उत्ते आउंदा बैठा बैठा ही ऐ हो गया। हुंदा कि सोच के चलीए भी मैं भी हो सकदा, मैं तां हुन्ना हुन्ना भी हो सकदा, इदां की पता भी जाने आ ते वापस ही ना आईए। हुंदा तो कहन दा भाव भी इन्ना नहीं है गुरमुखो, किसे वल वेखना, किसे दे पर्दे वल वेखना, किसे दे घर वल वेखना, इन्ना समा है कित्थे साडे कोले? इस करके चंगा यह है भी जिन्ना होवे चंगे वाले पासे लाइए,
दो कदमी तुरीए अगे पर पिछले पिछे नू पंज ना तुरीए वो बंद कर दीए। यही कबीर साहब ने कहा पहला क्या संगत करिए साधकी अंत करें निर्वा साधु दी संगत कर अंतम समय तेरी सहायक होवेगी। नाल क्या साकत संग ना कीजिए माड़ियां दी संगत ना कर। एक कहा नाल बचन भी माड़ियां दी भी छड। जे परमात्मा की वडियाई करदा है तो दुनिया की निंदिया भी छड़। दोनों गल्लां जरूरी ने। इस करके जिवें जिवें उदाहरण लै लो गुरु हर राय साहब का पुत्र है बाबा राम राय इतों कितने गुरमुख असी तो यह गल कहने भी वड्डे भाग ने जी गुरु घर के आए तो गुरमुख जो गुरु घर च जम ही पिया किन्ने वड्डे भाग होणगे उहदे जिहदा जन्म ही गुरु घर विच होया है जिहदा जन्म ही गुरु दे घरे होया किते मंदे किन्ने वड्डे भाग होणगे किन्ने जन्मां दी भगती होएगी भी गुरु दे घरे जन्म होया। कई जन्मां दी भगती है गुरमुखो गुरु दे घरे जन्म लैणा ते लिया ना बाबा राम राय ने ते किन्ना गुरु नूं भरोसा होएगा। औरंगजेब ने कोल शिकायतां गईयां भी जिहड़े सिख बाणी पढ़दे है उड़े च जी इस्लाम की निंदा है बुराइया ने तुहाडे धर्म की निंदा है तो औरंगजेब ने बुलाया सी गुरु हर राय साहब पातशाह ने। पातशाह ने कहा भी असीं अपना बंदा भेज दिंदे आ ते जे गुरु हर राय साहब पातशाह ने अपनी थान के उत्ते बाबा राम राय नूं भेजिया इहदा भाव कि गुरु हर राय साहब पातशाह उहनूं सब तो श्रेष्ठ समझते सी योग समझते सी तां ही भेजिया। जे अपनी थां ते भेजदे पए है तो उन्हों भेजणगे जिहड़ा पातशाह लगता भी हाँ ये सियाणा है तां ही भेजिया ना। पर गड़बड़ कित्थे होगी जाके संगत जो औरंगजेब की संगत की जो औरंगजेब की संगत की फिर धन भी मिलता है शोभा भी मिलती है वड्याई भी मिलती है लोग पैरी हाथ भी लाते ने देश का बादशाह वाह वाह करता है। बस गड़बड़ उत्थे होगी तुसीं देखो फिर गुरु तो भी दूर होए सिखां तो भी दूर होए। गुरु पातशाह ने जिस बाबे राम राय नूं वडियाइयां मिलदियां सन एक समा गुरु का बचन बदलिया गुरु हर राय साहिब पातशाह कहिंदे सानूं मूंह ना दिखावे। किन्ने गुरमुख मंदे भाग हो गए फिर किन्ने मंदे भाग हो गए भी गुरु घर विच जन्म लैके गुरु ने कहता भी सानू मूँह ना दिखा इदू मंदे भाग भी किदे हो सकते हैं इन्ने चंगे भाग किदे हो सकते भी गुरु घर जम पिया ते इन्ने मंदे भाग भी किदे हो सकते हैं भी गुरु ने कहता मूँह ना दिखाई। हुण इदू ते इनू चंगे भागां तो मंदे भाग क्यों बन गए औरंगजेब की संगत। औरंगजेब की संगत ने की ना मायाधारी की संगत लालची बंदे की संगत ते फिर वो लालची देखो की होया फिर गुरु तो विछड़िया देहरादून चला गया। श्रीनगर के राजे ने उन्होंने देहरादून का इलाका दे दिता और फिर अंतम समय गुरु गोबिंद सिंह पातशाह को पौंटा साहब मिलता है यमुना के पानी के उपर फिर मसंदा ने साड़ के मारता गुरु का पुत्र। मसंदा ने अपने चेलिया ने साड़ के गुरमुखो ज्यौदे जी साड़ता सी समाधि ला के बैठता सी बाबा राम राय तो वो मसंदा ने क्या सड़ गया जी ये घर वाली सी बीबी पंजाबपुर बड़ा रौला पाया उन्हें भी नहीं ये समाधि ला लेंदे होंदे आ वापस आ जाते होंगे सुनी नहीं मसंदा ने लालच सी भी डेरे ते कब्जा करके बैठांगे ज्यौदे नूं साड़ता सी। हुण जे जे इतिहास विच्चों आपां सिख्या लईए समाप्ति करिए भी गुरु दे घर जन्म लै के गुरु दीयां वडियाइयां लै के जे इन्ने मंदा जीवन गुजरिया तो इक्को ही कर्म सी ना भी संगत माड़ी कर ली। इस करके पातशाह कहिंदे भाई जे तू साधु की संगत करनी है तो साकत की संग छड्डनी है। साकत संग ना कीजिए जाते होए बिना जाते का की अर्थ है जाते दा जिस तो होए बिना बिना हो जाएगा नाश हो जाएगा। गुरु की संगत करेगा आत्मक
तौर दे उत्ते अमर हो जाएगा, साकत दी संग करेगा आत्मक तौर पर नाश हो जाएगा। पातशाह कृपा करन, गुरु दी संगत, साधुआं दी संगत, बंदगी करन वालियां दी संगत सदा गुरमुखों मिलती रहे, ये अरदास पातशाह अगे करिए। भुलां चुकां दी खिमा समा हो गया जी, उपर ये भी माफ़ी। फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम श्री वासुदेव की ओर।